राजस्थान चलते हैं। हेलो एवरीवन, तो आज के व्लॉग में आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल है। आज मैं यहाँ से जा रही हूँ थोड़ा सा ट्रैवलिंग पे अलवर राजस्थान। आज अपन लोग साथ में चलेंगे ट्रैवलिंग पे इंदौर से राजस्थान के लिए। तो अभी बस मैं रेडी होकर ऑन द वे ही स्टेशन जा रही हूँ। तो अभी मेरे को बस पापा मम्मी गौरव सब ड्रॉप करने जा रहे हैं स्टेशन तक। तो मेरी ट्रेन है, फिर आज हम चलेंगे साथ में घूमने। आ रहे आ रहे, ऑन द वे हमारे जामुन। अभी मैं जस्ट गाड़ी से बाहर उतरे हैं। अब मैं एंट्री ले रही हूँ रेलवे स्टेशन पे। तो अब चलेंगे, अब हम अपनी ट्रेन का पता करेंगे और जाकर देखते हैं ट्रेन आई है या नहीं। और एक बात, अभी हम लोग प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं एंड ट्रेन आने वाली है कुछ देर में, तो अब बस ट्रेन का ही वेट कर रहे हैं हम लोग। बाय बाय बाय, चलो। ये है प्लेटफॉर्म जहाँ ट्रेन आने वाली है, पर अभी यहाँ पे दूसरी ट्रेन खड़ी हुई है। तो अब ये वाली ट्रेन जाएगी, फिर मेरी वाली ट्रेन आएगी। ये अब मैं अपनी ट्रेन ढूंढ रही हूँ यहाँ पे कि मेरा बॉगी नंबर कौन सा है, मेरा कौन सा बॉगी है एंड कहाँ पर मिलेगा। तो अब हम चलते हैं, हमारा बॉगी ढूंढते हैं। मैं प्लेटफॉर्म पर आ गई थी, तो मैंने अभी जस्ट इंक्वायर किया कि ट्रेन कब तक आएगी एंड कब लगेगी प्लेटफॉर्म पे। तो अभी पता चला है कि प्लेटफॉर्म नंबर चेंज हो गया है। तो अब मैं प्लेटफॉर्म चेंज कर रही हूँ और दूसरे प्लेटफॉर्म नंबर पे जा रही हूँ। फाइनली अब मैं मेरी बॉगी तक पहुँच चुकी हूँ। ये है मेरी बॉगी। तो अब मैं इसमें अंदर जाके देखती हूँ मेरी सीट कौन सी है। भाई अब कैमरा आपके हवाले। तो हम चलते हैं एंट्री लेते हैं हमारे बॉगी के अंदर। अब सीट ढूंढनी है, मेरा सीट नंबर है 51। तो लेट्स सी कहाँ आएगा। 51 मुझे फाइनली मिल चुकी है, मेरा सीट नंबर मुझे मिल चुका है। अब बस मेरी है अपर बर्थ। तो अब हम आ गए हैं ट्रेन में अंदर। तो मैं फाइनली मेरी सीट अब मैं अपनी सीट पे बैठ चुकी हूँ। मैंने अभी जस्ट अपनी ट्रेन जो ढूंढी थी अपने ट्रेन नंबर से ढूंढी थी, और मेरे को अब भी बस याद आया था कि ट्रेन नंबर मुझे एक बार कन्फर्म करना पड़ेगा। तो मेरी ट्रेन का नंबर था 09337। तो अभी जस्ट मैंने अपनी ट्रेन कन्फर्म करी है, यही है। एंड मुझे ड्रॉप करने गौरव मम्मी पापा सब आए थे, तो अभी वो लोग मुझे ड्रॉप करके जस्ट अभी यहाँ से निकले हैं। सो अब मैं यहाँ पर अकेले बैठी हूँ एंड अब मैं शायद बोर होने वाली हूँ, बट आई गेस आज मैं पूरे दिन आप लोगों से बहुत सारी बातें करूँगी, सो डेफिनेटली मैं बोर तो नहीं होगी। वैसे जा रही हूँ इंदौर टू अलवर एंड मैंने थर्ड एसी की टिकट्स बुक कराई थी। सो लेट्स सी कैसी हमारी जर्नी होती है, कितने मज़े आते हैं एंड क्या क्या करते हैं। ये है हमारी ट्रेन, ये है हमारी बॉगी और ये कुछ ऐसा है। मैंने एक्चुअली बहुत बार ट्रैवल करा है ट्रेन में, बट आई गेस इस बार मुझे एक डिफरेंस देखने को मिला है कोविड के बाद से, कि ट्रेन थोड़ी साफ दिख रही है मुझे।
मतलब काफ़ी चीज़ एकदम क्लीन है एज़ कम्पेयर्ड जैसे मैं पहले आया करती थी, पहले इतना ट्रेन क्लीन नहीं हुआ करती थी। हर जर्नी का अपना अलग ही मज़ा होता है, सो आज मैं इस जर्नी में मज़ा करने वाली हूँ ट्रेन में बैठ के। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इन लोगों के जाते से मैं इतना ज़्यादा बोर हो जाऊँगी, सो अब मैं बहुत बोर हो रही हूँ अकेले, क्योंकि मुझे हमेशा से आदत है दिन भर बातें करने की। सो अब देखते हैं, फिलहाल तो मैं जा रही हूँ ऊपर मेरी सीट पे सामान अरेंज करने, तो सामान अरेंज करने के बाद देखते हैं। ये तब मैं आपको दिखाती हूँ मेरी सीट, ये है मेरी सीट, अब मुझे अपर बर्थ है मेरी। सो अब हम यहाँ पे जमाएंगे हमारा लगेज। सो मैं अभी अभी जस्ट अपनी बर्थ पर ऊपर आ गई हूँ, यहाँ मेरे को सर ऊपर सर भी सीधा करने की जगह नहीं है, मेरे को झुक के बैठना पड़ रहा है आप लोगों से बात करने के लिए, बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, पता नहीं कैसी लोग ही बनती है होता है। ट्रेन्स में क्लीनलीनेस तो नो डाउट आजकल बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है, बस अब सर्विसेज देखते हैं हमारी पूरी जर्नी में हमको क्या क्या प्रॉब्लम, हमारी जर्नी कैसी होती है यहाँ, क्योंकि यहाँ से हमारी शुरू होगी ओरिजिनल जर्नी, क्योंकि अभी जस्ट ऑलमोस्ट मतलब टाइम हो चुका है यहाँ से ट्रेन का डिपार्ट होने का, तो मैं आपको दिखाऊंगी जैसे ही यहाँ से ट्रेन चलेगी वैसे ही। फाइनली हमारी ट्रेन इंदौर जंक्शन से डिपार्ट हो चुकी है, तो अब हम चलते हैं साथ में। सामने देखो, सामने 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 देखो, और बिकॉज कोविड की वजह से आजकल एसी में भी ब्लैंकेट्स और ग्लोव्स वगैरह नहीं मिलते हैं, तो मैं अपना खुद का ब्लैंकेट लेकर आई हूँ। बाय द वे मैंने अभी तक आपको ये नहीं बताया कि मैं वहाँ पर जा क्यों रही हूँ, तो वो आपको पता चलेगा कल ही जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी। अभी अभी जस्ट आए थे टीटी, उन्होंने हमारी टिकट चेक करी, उन्होंने हमको टिकट चेक करवाई, सो अब हमारी टिकट भी चेक हो चुकी है। एंड अभी मैं बहुत देर से कर रही थी वीडियो कॉल्स पर बात दीदी मम्मा पापा और गौरव वगैरह सबसे। सो अभी आई गेस हमारी ट्रेन कहीं पर रुकी हुई है, थिंक इट्स अजनौत, क्योंकि मैंने जो सर्च करा हुआ है ट्रेन का रनिंग स्टेटस, तो उसके हिसाब से हम अभी अजनौत क्रॉस कराया हमने, सो आई डोंट नो कहाँ पर है, बट होपफुली अजनौत होगा। ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ, वरना यूजुअली मैंने हमेशा ज़्यादातर किसी न किसी के साथ ही ट्रैवल करा है, सो ऑलमोस्ट फैमिली के साथ ही है, सो दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम जब मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ, बट आई एम इन्जॉइंग दिस। अभी फिलहाल जब से मैं ट्रेन में बैठी हूँ ना, तब से अभी तक घर वालों के बार बार कंटिन्यू कॉल्स आ रही हैं पूछने के लिए कहाँ तक पहुँचे, कहाँ तक पहुँचे, खाना खाया या नहीं, ऊपर गए सीट पर पहुँच गए या नहीं वगैरह वगैरह एंड ऑल दैट। अब मैं जा रही हूँ खाना खाने, क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट 9 o'clock, सो काफ़ी लेट हो चुका है, तो हम फाइनली खाना खाएँगे, खाना खा के फ्री हो जाओगी मैं एकदम। आज मैं खाना खाने जा रही हूँ, अब मैं मिलूँगी आप सब लोगों से खाना खाने के बाद, फिर अपन थोड़ी सी बातें करेंगे और फिर मैं अभी सोने। बहुत देर से पता है मैं अभी लिटरली ये सोच रही थी कि मैं थोड़ा मोटा ब्लैंकेट क्यों नहीं रही, बिकॉज मुझे भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। एक्चुअली मेरी अपर बर्थ है और अपर बर्थ में प्रॉब्लम ये होती है कि ये जस्ट ऊपर ये एसी वेंटिलेशन है, सो इसी की वजह से मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा ठंड, क्योंकि जस्ट मेरे ऊपर ही हवा आ रही है डायरेक्टली एसी की। सो मेरा तो ये ब्लैंकेट एक्चुअली एकदम फेल हो चुका है, सो आई डोंट नो मैं रात भर कैसे रहने वाली हूँ इतनी ठंड में, देखते हैं। तो अभी बज रहा है रात का 1 और मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ कि मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रही है नींद, यहाँ से बार बार कोनों का एक्चुअली निकलता है, लाइट्स ऑन होती हैं, तो इस वजह से बिल्कुल नींद नहीं आ पा रही है, तो मैं बैठी हुई हूँ अभी तो फिलहाल। अब मैं फाइनली
फाइनली आ गई हूँ वापस। अब हम यहाँ पर आ गए फाइनली मैं सोने के लिए। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है और मुझे उठना है सुबह जल्दी, तो हम मिलेंगे सुबह। गुड नाइट। अब मैं पहुंच गई हूँ जयपुर स्टेशन। एक्चुअली अजमेर में तो मेरे को चाय मिली नहीं थी कि तब तक वहाँ पे बनी नहीं थी, तो अब यहाँ पे पीते हैं हम चाय। भैया चाय कितने के? एक दे दीजिए। यहाँ मुझे मिल चुकी है चाय। यहाँ आ चुकी है मेरी चाय और अब मैं ले लूँ मेरी चाय का मज़ा। सुबह सुबह की मॉर्निंग टी का मज़ा ही कुछ और है। सुबह की मॉर्निंग टी का मज़ा ही कुछ और था। लाइक सुबह सुबह एक बार आपको अगर चाय मिल जाए तो आपका पूरा दिन बन जाता है। सामान ज़्यादा नहीं होता तो मेरी फ्लाइट से आ जाता। सो मैं अभी अभी सोकर उठी हूँ। एक्चुअली मैंने आप लोगों को बताया था मैंने सुबह चाय पी, उसके बाद से मैं वापस सो गई थी। सो मैं अभी अभी जस्ट उठी हूँ एंड अभी मैंने चेक करा है तो मैं ऑलमोस्ट अलवर पहुँचने ही वाली हूँ। इट्स अराउंड 30 मिनट्स ऑलमोस्ट, फिर मैं अलवर पहुँच जाऊँगी। सो अब देखते हैं मैं कितने में पहुँचती हूँ, बिकॉज ट्रेन एक्चुअली लेट है थोड़ी सी, अप्रॉक्स 10 से 15 मिनट। सो लेट्स सी कब तक हम पहुँचते हैं। मैंने करे हैं रास्ते में बहुत ज़्यादा मज़े एंड लिटरली मतलब मेरा फर्स्ट टाइम अकेले का ट्रैवल था, बट आई एंजॉय इट अ लॉट। अब जस्ट 20-25 मिनट्स अराउंड देन हम अलवर पहुँच जाएंगे, क्योंकि मुझे इसमें दिख रहा है कि ट्रेन से 4 मिनट लेट है एंड अभी हो रहा है 8:55। सो 9:15 दैट मीन्स 25 मिनट्स में हम अलवर पहुँच जाएंगे। अभी बस मेरी हो गई है जीजू से बात एंड उन्होंने मुझे इन्फॉर्म करा है कि वो अभी मेरे को लेने आएंगे। सो बस मैं अभी भी रेडी हो चुकी हूँ, मैंने मेरा लगेज भी पैक कर लिया है। अब मैं उतरूँगी मेरे स्टेशन पे, मैं आपको बताऊँगी जैसे मेरा प्लेटफॉर्म आता है एंड अपन संग में चलेंगे दीदी के घर पे। अलवर और मैं यहाँ खड़ी हूँ स्टेशन के बाहर ही, जस्ट पास में ही कोई जगह है वहीं पे एंड जस्ट अभी अभी जीजू आए हैं तो अब हम उनके संग निकलती हूँ, मैं उनके संग घर और आप लोगों से मिलती हूँ घर पहुँच के अगले ब्लॉग में। बाय।
हेलो एवरीवन, अब मैं आ गई हूँ वापस से आज अलवर जंक्शन पे। एक्चुअली हम लोगों को निकलना था 2 दिन बाद, बट कुछ प्लान में कुछ चेंजेस हो गए थे एंड कुछ अर्जेंट काम की वजह से हम लोगों को अभी निकलना पड़ रहा है, आज ही, आई मीन सेम डे ही। सो अभी अभी मैं आई हूँ स्टेशन पे। अब हमारी यहाँ से ट्रेन है शाम को 5:23 की। सो अब हम यहाँ पर ट्रेन का वेट कर रहे हैं, जैसे हमारी ट्रेन आती है हम यहाँ से सीधे बैठ के निकल जाएंगे वापस से इंदौर। एंड जो मैंने आपको बताया था कि मैं क्यों यहाँ आई हूँ, वो पर्पस ये था कि मैं यहाँ पे थोड़े 1 या 2 दिन यहाँ रुकती एंड देन फिर मैं यहाँ से दीदी को लेकर अपने साथ जाने वाली थी, अपनी सिस्टर को लेकर इंदौर। बट अब प्लान में चेंजेस हो गया तो हम लोग आज ही निकल रहे हैं, मैं एंड दीदी। यहाँ सब लोग हम कर रहे हैं ट्रेन का इंतज़ार। यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है लिटरली, मतलब एज़ कम्पेयर टू इंदौर यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा हॉट है। तो मेरे को बिल्कुल नहीं हो पा रहा पॉसिबल, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी है कि यहाँ पर मास्क लगाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। यहाँ अलवर स्टेशन पर ट्रेन रुकती है सिर्फ 2 से 3 मिनट। इट्स लाइक कि जैसी ट्रेन आती है फटाफट से बैठ जाओ, क्योंकि यहाँ पर ट्रेन में बैठना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो अभी हम लोग जस्ट जो डिस्प्ले बॉक्स होते हैं उसमें हमारा कोच नंबर लिखा हुआ था, तो हम उसके हिसाब से उस जगह पर आकर बैठ चुके हैं। अब सब लोग वेट कर रहे हैं, जैसी ट्रेन आती है फटाफट से हम लोग बैठ जाएंगे। एंड इस टाइम पर मेरा ब्लॉग बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज कैमरा ऑन रखना और 2 मिनट में ट्रेन में चढ़ना बहुत मुश्किल है। तो मैं आप लोगों से मिलूंगी ट्रेन में बैठने के बाद और आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं आप लोगों से क्या बोल रही थी कि मैं किस किस को लेकर आने वाली हूँ। मेरे संग दीदी तो है, उसके अलावा एक और है। इस बार अब मेरी जर्नी शुरू होती है मेरी फ्रेंड के साथ। मैं इसको आई थी यहाँ से लेने, तो हम यहाँ से लेके निकल रहे हैं इसको इंदौर के लिए। हम यहाँ पे ट्रेन का वेट कर रहे हैं और हमारे ऐसे गर्मी में पसीने बह जा रहे हैं।